वो जो तस्वीर में कैद है ना, वो बचपन है हमारा। मैं हूँ, मेरे बाबूजी हैं, और साथ है अपना प्यारा तिरंगा, तीन रंगों वाला। कहते हैं केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का, और हरा रंग हमारे हरियाली का। मैं इस तस्वीर को किवान कहती हूँ, किवान यानी कि किसान और जवान। मेरे बाबूजी किसान थे, उन्होंने ज़िंदगी में दो ही काम किया, एक तो खूब फसलें उगाई और दूसरा मुझे भी अपने खेतों की तरह ही खूब सींच कर बड़ा किया। जितनी प्यार से रोटियां खिलाई, उतने ही प्यार से किताब भी पढ़ाई। व्यायाम कराया और दिन प्रतिदिन मजबूत किया मुझे। मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लड़ सकूं और जीत सकूं जिंदगी की हर जंग एक मजबूत फौजी की तरह। और फिर एक दिन मुझे छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। बाबूजी हमेशा चाहते थे कि मैं एक फौजी बनूं, यही उनका सपना था। आज उन्हें गए तो कई साल हो गए, पर उनका सपना पूरा हुआ। सीमा पर हूँ, रोज लड़ रही हूँ और जीत रही हूँ, एक योद्धा की भांति, अपने देश की खातिर, अपने बाबूजी की खातिर। और आज लगता है कि एक जवान और किसान का जीवन कितना मिलता जुलता होता है, दोनों की जन कितनी बड़ी होती है और कितनी बड़ी होती है दोनों की जिम्मेदारी। आज भी अपने बाबूजी की तस्वीर को देखती हूँ ना, तो दिल अपने आप कह उठता है, जय जवान, जय किसान, जय किवान, जय किवान।